कनीना में हादसा हुआ, उस स्कूल बस का जो हादसा हुआ उसमें 6 बच्चों की जान चली गई, उसके बावजूद जो स्कूल की बसें हैं वो रैली में ले जाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आप तो स्कूल की बसों की बात कर रहे हैं, मगर अगर कहीं जगह देखा जाता है तो बीजेपी अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए इंस्टीट्यूट से बच्चों को भी ले जाती है। तो बसें तो बड़ी मामूली सी बात है, तो इनको हम पहले भी कहते हैं जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, ना ही देश के भविष्य से कोई लेना देना है। आज हमारे बच्चों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, मगर उसको इन्होंने बिगाड़ने का काम किया है। और बच्चों का ये स्कूल बसों का उपयोग करना, जिसमें हमने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें इन पर कहा गया था कि ना तो इनके पास कोई रसीद है ना चुनाव आयोग से कोई मंजूरी है, तो ये तो हम कहते हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का भी मजाक बनाया हुआ है और जहां चाहता है ये अपने हिसाब से काम करते हैं बीजेपी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन में भी इनकी 2/3 हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से ये हर चीज को एक मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने यह काम किया। इस आगे आगे देखिए, इस चुनावी माहौल में बीजेपी और भी अपने रंग दिखाएगी और कानून को दरकिनार रखते हुए अपने हिसाब से अपने उसको चलाएगी, एजेंडा को चलाएगी और अपना पॉलिटिकल वेंडेटा पूरा करेगी। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी बीजेपी ने कोई सबक नहीं लिया? जिन्होंने सिर्फ सत्ता से प्यार है या कुर्सी से प्यार है और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना है, तो उनको इससे सबक लेने की कोई जरूरत नहीं है। जनता के दिल में रोष है, जनता इससे दुखी है, मगर बीजेपी को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि आरोप ये भी है बीजेपी पर कि जो ये बसें रैली में पहुंच रही है स्कूलों से, उन स्कूलों को ना किराया दिया गया और ना ही तेल के पैसे दिए गए। तो चलती है ना, इन्होंने तो वही काम किया होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अपनी चला रहे हैं, चलती में चला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने मरोड़ने का बीजेपी काम करती है और हर संभव प्रयास कर रही है अपनी जीत के लिए। और आप बच्चों की जहां बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको कहना चाहूंगा कि अभी बीजेपी ने कई टीचर्स की जो अदला बदली की है, जिसमें कानून के तहत इन्होंने हर टीचर्स को अपने होम स्टेट होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा है और उसके तहत उनकी बदलियां की हैं या जो भी हम ट्रांसफर कह सकते हैं की हैं, तो उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है कि सैकड़ों स्कूल बिना टीचर्स के रह गए हैं। जहां एडमिशन का टाइम है, नए सेशन का टाइम है, वहीं पे स्कूल बिना टीचर्स के चल। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।